नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर, जहां पे ब्रोकरेज बहुत ही बुलिश है और चार्ट के ऊपर तगड़ा ब्रेकआउट हमें मिल चुका है दोस्तों। तो दोनों चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है हमें स्टॉक के ऊपर। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, जहां पे 665.25 रुपीस का क्लोजिंग आया है दोस्तों, ओपन हुआ है 674 के ऊपर, हाई बना 680.95 का, लो बना 663 के ऊपर दोस्तों। और अगर डिलीवरी क्वांटिटी की बात की जाए तो 16.63% का डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है। आज वॉल्यूम पिछले कुछ दिनों से कम हुआ है, बट इस स्टॉक को क्यों डिस्कस करना है उसके मैं आपको रीजन बता देता हूं दोस्तों। आज का जो चार्ट है वो बहुत ही वॉलेटाइल नहीं रहा है, बट अगर आप 5 दिन का मूवमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो 570 का जो स्टॉक था दोस्तों वो ऑलमोस्ट 670 के ऊपर चला गया, यानी कि 100 रुपीज मूवमेंट हमें सिर्फ 5 दिन के अंदर ही हमें मिल चुका है ये स्टॉक के अंदर दोस्तों। तो उसका रीजन क्या है और ब्रोकरेज क्यों बुलिश है, ब्रोकरेज के टारगेट ऊपर की मैं बात करूंगा, उससे पहले चार्ट के ऊपर जो ब्रेकआउट आया उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वीकली चार्ट है, आपको पता है कि वीकली चार्ट देखा जाता है 3 महीने से लेकर 12 महीने की अवधि के लिए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोज हुआ है 664 और बेहतरीन वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम आप देखो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि लाइफ टाइम हाई का जो वॉल्यूम होता है ना, लाइफ टाइम शायद हाई है वहाँ पे दोस्तों। स्टॉक का वॉल्यूम है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पूरी जिंदगी में ये स्टॉक का अभी हुआ है और स्टॉक की लाइफ टाइम हाई पर है। अब क्यों ऐसा क्या हो गया और 5 दिन के अंदर की स्टॉक इतना मूवमेंट दिया, आप 1 वीक के कैंडल की अगर बात करें तो कितना लंबा कैंडल बन चुका है। तो इसमें ब्रेकआउट आया उसका रीजन यह है कि ये जो कैंडल आप देख सकते हैं, जहां पे 631.95 का हाई था, यहां पे 643.95 का हाई था 5 मार्च का कैंडल, और ये जो कैंडल है जिसका आधार पकड़ के चलते हैं तो 632.75 का हाई था, ये जो कैंडल है वो भी 666 का हाई था, और ये जो हाई था 633। तो अब देखोगे कि ये जो लेवल है 630 का, अगर बेस लेवल मान लेते हैं 630-634 का, उसके ऊपर पूरी जिंदगी में ये स्टॉक 1 वीक पूरे वीक के ऊपर बंद नहीं हो पाया है, और अभी जो ट्रेड कर रहा है वो लाइफ टाइम हाई ऊपर है। आप देख सकते हैं 680 का हाई बनाया, जो लाइफ टाइम हाई है जो 666 का था। तो ये स्टॉक अभी बेहतरीन मूवमेंट और बेहतरीन ब्रेकआउट के साथ लाइफ टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। हमने दोस्तों चार्ट के ऊपर देखा कि बेहतरीन हमें ब्रेकआउट मिला है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ब्रोकरेज है नोमुरा है, उन्होंने जो टारगेट रखे हैं इस स्टॉक के, वो 750 रुपीज दोस्तों टारगेट है नोमुरा का, बाइंग रेटिंग है उनका। क्या मानना है कि LLF लैंड लाइजनिंग फी जो इश्यू था वो बहुत टाइम से पेंडिंग था, उसकी वजह से डिस इन्वेस्टमेंट का भी जो प्रॉब्लम जो होने वाला था उसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, वो रिजॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो अब डिस इन्वेस्टमेंट इसका भी बहुत जल्द हमें मिलेगा दोस्तों, और बहुत ही कम जो उनका एस्टिमेट था वहां से बहुत ही कम हुआ है, 450 करोड़ में ही हो चुका है। तो नोमुरा ने अपने टारगेट दिए है 750 के। मोर ओवर दोस्तों क्रेडिट स्विस है, वो भी टारगेट 750 का ही बोल रहा है। इवन गोल्डमैन सैक्स है, वो 610 का टारगेट दे रहे हैं। प्रभुदास लीलाधर है, वो 607 का टारगेट है, जो उनका प्रीवियस टारगेट था 561 का था दोस्तों। तो यानी कि ऑल इन ऑल बाकी सब ब्रोकर अगर डिस्कस करते हैं तो ICICI डायरेक्ट है, वो अपना टारगेट 750 कर रहे हैं, जो 56 था तो वो भी बाय कर रहे हैं। उनका भी मानना है कि जो पोस्ट क्लियरिटी ऑफ डाइवेस्टमेंट होगा वो भी इजी होगा, तो इसकी वजह से ये लोग सारे जो आप ब्रोकर आप देखोगे कि उसमें बाय रेटिंग कर रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल देश के दिग्गज जो ब्रोकरेज है वो भी 745 का टारगेट दे रहे हैं। अगर ऑल इन ऑल चेक करें तो सबके एक ही चीज़ है कि कंपनी का रिमेन पॉजिटिव और स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है उसमें पॉजिटिव है, कंटिन्यूस मार्केट शेयर गेन हो रहा है इन डोमेस्टिक सेगमेंट, न्यू स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, और जो LLF का इश्यूज था उसके ऊपर क्लैरिटी दे दी है, और मैनेजमेंट की ओर से पॉजिटिव गाइडेंस आया है। तो आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको 750 तक के टारगेट दिखा सकता है दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।